डांग खड़ के उठ हो गई लड़ाई पारी अर्जुन वैली ने। बैक टू द चैनल अनदर डे रिएक्शन वीडियो। मैं हूं सनम, मैं हूं अली और हम लेके आए अपने चैनल पे आज एक न्यूज किस्म के रिएक्शन बेसिकली, क्योंकि होने वाला है UK07 राइडर वर्सेस मनोरमा फारूकी एंड एल्विश यादव वर्सेस मैच पे जो होगी आज फाइट। तो ये है आज की लेटेस्ट खबरें। तो उनपे सबने कहा कि हो जाए एक जबरदस्त रिएक्शन। तो आप क्या कहना चाहेंगे? या मैं तो अल्विश यादव को बोलना चाहूंगा कि लौंडे ने सही चम्मे चमाटे करा दिया। तो बेसिकली अल्विश यादव जो है वो हर तरह के वक्त न्यूज में जो है ना बहुत हाइप में रहते हैं। UK07 राइडर और मनोरमा फारूकी का बेसिकली हमने फॉलो नहीं किया, तो उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता कि उनका क्या मसला चल रहा है। उनका मेरे ख्याल में कोई ना कोई बॉक्सिंग का है, मुझे सुनने में तो ये है। बॉक्सिंग का फेस ऑफ टाइप उन्होंने कुछ एक दूसरे को चैलेंज कर दिए, क्या वो भी दिखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला। तो देखना है फाइट किसकी हुई, मनोरमा फारूकी की फाइट हो रही है या अल्विश यादव की फाइट हो रही है? सबकी फाइट हो रही है। क्यों हो रही है फाइट, ये समझ में सब फाइटें कर रहे हैं ना। मगर इसमें सबसे ज्यादा आई थिंक एल्विश यादव जो है वो काफी आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने हाथापाई और बंदों को ले जाके मार पीट सुनना है। अच्छा, बंदों को मार, बंदों को ले जाके ये सुना है कि उन्होंने पूरा अपना गैंग वैंग लेके गए। और वो भी जो लड़का जो है वो भी यूट्यूबर है। ओके, तो मैक्सन, हाँ मैक्सन करके उनका नाम है। उनके बारे में अभी तक देखा नहीं है क्या है, मगर सुना ही है कि वो एल्विश यादव को कोई ट्वीट करते थे तो जिसपे एल्विश यादव सुनते रहते थे। तो आज उनका जो है ना पारा बढ़ गया और वो ट्वीट से बाहर निकल गया। अपने सारा हिसाब किताब में वो कर लिया पूरा मैक्सन के साथ। सिस्टम दिखा दिया, सिस्टम दिखा दिया, फुल जलवा दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। पता नहीं क्यों एकदम हाइपर इंसान है एल्विश यादव। मतलब सुना है कि उनकी कुछ एल्विश आर्मी के बारे में उन्होंने कुछ कहा, उनके फैंस है उस तरफ कोई ट्वीट करी बेसिकली। तो पता नहीं है इनका क्या सीन है, अब देखते हैं वीडियो तो कुछ समझ आएगा कि क्या मामला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सो यू नेवर मिस एनी रिएक्शन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्ट हो रहा है देखने के लिए हुआ क्या। तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं, एंड ये एल्विश भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ, मुनावर अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई, ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को इंटरनेट पे बंद कर, और वहाँ बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। क्या बात है? अबे वो भी थे, वो एंटिंदू हो गए, मुनावर के साथ उनकी फोटो है तो एंटिंदू हो गए तो बता दो। दूसरा फैक्ट, अक्षय कुमार भी, अक्षय कुमार की तो मोदी जी के साथ भी वीडियोज है, उसकी टीम से तो खेल ही रहा था मुनावर ना। अच्छा। तो अक्षय कुमार भी एंटी नकली हिंदू हो गया, सचिन तेंदुलकर भी नकली हिंदू हो गया, अक्षय कुमार भी नकली हिंदू हो गया। मैं तो तुमने भाई साहब थप्पा दे दिया ना, भाई साहब ने हमारे ने जिसकी शक्ल नहीं है उसने थप्पा दे दिया ऐसे करके, उसको डर लगता कोई उसे मार देगा, जानते ना वो शक्ल दिख गई तो उसकी, उसको इसलिए डर लगता। उनने थप्पा दे दिया कि भैया एल्विस वो है, ठीक है मैं भी एंटी हिंदू हो गया। जितने भी वहां खेल रहे थे साउथ के एक्टर भी थे, रामचरण और सूर्या जितने भी थे, बड़े बड़े नाम थे सारे, मैं तो उनमें, मेरे हिसाब से मेरा उतना बड़ा नाम भी नहीं जितना जितना नाम उनने कर रखा। अब तुम क्या चाहते हो मैं वहां पे क्या मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता रहूं कि किसी से बातचीत नहीं, दूर दूर से भाई चैरिटी मैच था। अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला था, अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम कि साथ में बैटिंग कैसे कर ली। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बक दो कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे कर ली। तो ये बात सही है, फील्ड पे जाते हो जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की तो आपको काफी चीजें भूलनी पड़ती हैं, और वो दिखाने पड़ता स्पोर्ट्समैनशिप कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए ना कि एक दूसरे के ऊपर हेट्रेड निकाल रहे हैं कि भाई नफरत हो गई, इसने ये बोल रखा उसने वो बोल रखा। अब 10,000 चीजें उसकी भी होंगी जो मुझे पसंद नहीं होंगी, बट ऐसे थोड़ी ना कि दुश्मनी दिखाऊं, वहां कुश्ती करने लग जाऊं, गाली बक दूं उसको, मारपीट मचा दूं उसके साथ, या फिर कुछ गलत सलत कह दूं। भाई सामने वाला बंदा प्यार से बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि अपने को ऐसे रूड होना चाहिए या फिर खराब होना चाहिए। वहां पे साथ में गौरव तनेजा भाई भी थे, सब थे, तो मेरे को बड़ी गलत चीज लगी कि पहले तो वो वाला कार्ड आ गया कि भाई ये तो हिंदू बनता था, अब देखो वो ये हो गया। अब किसी से मिलने से, किसी से दो बात आराम से करने से, मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि मेरे हिंदू होने पर कोई फर्क पड़ता।
या फिर मैंने किसी को ठेका दे दिया कि भाई तू बता मेरे को कि मैं हिंदू हूँ या फिर मैं नकली हिंदू हूँ, असली गलत गलत तुमने ये करा वो करा, गाली गलौज चल रही है, बहुत गंदी गंदी गाली चल रही है। तो मैं एक चीज एग्जाम्पल के थ्रू आप सब लोगों को बताऊंगा कि सपोज कटारिया है, कटारिया को मैं अपना भाई मानता हूँ, कटारिया कोई ऐसी चीज करेगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं दुनिया भर में बैठ के ढिंडोरा थोड़ी पीटूंगा कि कटारिया को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के फैन क्लब्स को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के लोगों को गाली बकने लग जाऊं जस्ट बिकॉज मेरे को उसकी वो चीज़ पसंद नहीं आई। एक साइड आप बोलते हो कि भाई भाईचारा हम रखते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया भाई हैं, दूसरी साइड पूरी दुनिया के आगे गाली गलौज चल रही है, ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आई और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। ऑब्वियसली बात है कि इसको ही अच्छा लगेगा। तो एक तो ये चीज़ थी, बाकी मुनावर को आउट करा मैं वो भी कर सकता था भाई, वहाँ पे प्रदर्शन कर सकता हूँ, ये कर दिया मैंने तो वो कर दिया, बट इट्स ओके भाई। वहाँ पे सचिन पाजी ने आमिर को खिलाया, वहाँ पे सचिन पाजी ने सूर्या जो साउथ का एक्टर है उसको 3 मारी छोड़ा, प्यार मोहब्बत से चीजें चल रही है वहाँ पे भाई, क्यों अपनी पर्सनल हेटरेड या फिर अपने आइडियोलॉजी को बीच में ले लेके आए। जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, आप किसी फील्ड पे हो जहाँ पे सिनेरियो ही अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत करा या फिर ऐसा कर दिया कि जिससे सारे लोग अगेंस्ट हो जाए मेरे और मेरे को उल्टा सीधा बोलने लग जाए कि तू तो ऐसा हो गया, चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मैं अभी भी वैसे ही। मुनावर ने नो डाउट अच्छा खेला भाई, आई एप्रिशिएट सचिन सर का बॉलिंग, उन्होंने बहुत अच्छा, हां बॉलिंग अच्छी करता भाई, और मैं तो ये देख रहा हूं उसने चैलेंज करा था मेरे को, उसने एम्पायर को बोला कि एम्पायर पूछा किसको कौन सा बॉलर चाहिए आपको, वो कहता कि एल्विस चाहिए। सच में? हां हां, सातवें ओवर का वो था चैलेंज, वो जो स्टार्ट में वो नहीं सिखा रहे थे तब आप इधर उधर ध्यान दे रहे थे, चैलेंज ओवर होता 70 तो डाला मैंने। हेलो भाई कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं अपना मिलाऊं पत्री पत्री लाते जो मारना चाह रहा था घुटने, वो नहीं लगा उसके एल्विस ने, एल्विस ने सही किया, लोग रोक रहे थे मत मारो मत मारो, एल्विस तो ये मतलब 4-5 बॉडीगार्ड भी साथ लेके जा रहा था एल्विस। हां नहीं वो आई थिंक सपोर्ट, पता नहीं कौन है गैंग है क्या है, ये दोस्त एल्विस के दोस्त है, आर्मी है कौन है, मगर भाई इतनी ज्यादा बात क्यों फैल गई, इतना ज्यादा आगे कुछ लिखो सब, इसमें बात शुरू हुई मुनव्वर फारूकी से, फिर बीच में यूके राइडर भी आ गए, ये मुनव्वर फारूकी और यूके राइडर आपस में क्या चाह रहे हैं, बॉक्सिंग ये आई थिंक वो जो बाहर के जो अमेरिकन यूट्यूबर्स है ना वो भी ये करते थे, अच्छा वो हाइप के लिए कि भाई आ जाओ बॉक्सिंग रिंग में आ जाओ और बॉक्सिंग कर लो हमारे साथ, ये अमेरिका में भी बहुत होता है, अमेरिकन यूट्यूबर्स भी बहुत करते हैं ऐसे, तो मेरे ख्याल में ये यूके राइडर ही चाह रहा होगा कि मुनव्वर मेरे साथ। एल्विस वाला जो मुद्दा है वो तो ये कि इनको ये कहा गया कि भाई आप रियल हिंदू नहीं है, क्योंकि मुझे जहां पे समझ आया वीडियो के अंदर वो उनको शायद ये बुरा लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी के साथ इन्होंने क्यों खेला कि मुसलमान है, तो मतलब हिंदू होने का क्या मतलब, ये मुसलमान के साथ भी खेलते इंडियन क्रिकेट टीम में भी या हिंदू और मुसलमान खेल रहे होते हैं, और ये सेक्युलर कंट्री तो उसमें तो ये चीज समझ नहीं आती ऐसी, तो बड़ी ये बात अजीब लगी क्योंकि मुझे तो फनी लगा, फनी भी उसका मुझे कोई ऐसा लगा नहीं, वो तो मैच में तो बड़े एंजॉय करते हुए नजर आए मुनव्वर फारूकी के साथ, बाहर ये मैक्सवेल को क्या मसला हो गया एल्विस के साथ और उन्होंने ऐसा क्यों बोला ट्वीट पे ये नहीं पता उनको क्या पर्सनल, अगर आप लोगों को बताओ जरूर कमेंट करके, क्या जाती दुश्मनी ये नहीं पता, मगर एल्विस ने उनको ठीक ठाक कर दिया, और सुना ये भी कि भाई अब वो ये कह रहे हैं कि एल्विस यादव को मैं अरेस्ट करवाऊंगा, अच्छा अरेस्ट का भी आ रहा है, अरेस्ट करवा दो, मेरे ख्याल में ये भी है कि एफआईआर कटवाने के चक्कर में, एफआईआर कटवाना है अरेस्ट करना सही बात है, तो चले देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है आगे, वो आई होप कि कोई ज्यादा बात नहीं बढ़ी और यहीं पे रफा दफा हो जाए, तो चलो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।